नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास की पीपल पथवारी माता की कहानी सुनाएंगे। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं, इससे अन्न और धन दोनों होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति भी मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो तो मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध को पीपल में और दही पथवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती, महीना पूरा हो जाने पर लाकर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों बैठ गई? बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डींडा पान पतूरा, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली, पैसे ले आई बहू? बहू बोली, कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो देखा हीरा मोती जगमगा रहे थे। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब अगले साल से कार्तिक में मैं भी पटवारी सींचूंगी। अगले साल कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। अब कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो सास आकर बहू से कहती है, मुझसे दाम मांग। बहू बोली, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है? मगर सासू कहती, तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे ले आओ। तो सास पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पान पतूरा भरा डींडा दे दिया, उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या? सास ने आकर देखा और बोलने लगी, तुझे तो हीरे मोती दिए और मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब पथवारी माता प्रकट हुई और बोली, तेरी बहू ने सच्चे मन से सींचा था और तूने धन के लालच में आकर किया। हे पथवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को ना देना। आपकी पूजा पाठ करने वाले, इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलो पथवारी माता की जय।